छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरगुजा संभाग की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर कसा तंज। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, सरकार बदलते ही प्रशासन निरंकुश हो गया है। टीएस सिंहदेव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले से जानकारी मिली कि एक अल्पसंख्यक परिवार के घर पर घुसकर एक दल के लोग मारपीट करते हैं और जिन लोगों से मारपीट हुई है उन्हें ही जेल में भर दिया जाता है। वह सीतापुर से खबर आई कि एक मिस्त्री की लाश अत्यंत संदिग्ध तरीके से पानी की टंकी से मिली और अब तो अति हो गई, जब कुछ नकाबपोश बदमाश बंदूक के नोक पर एक ज्वेलर से करोड़ों की लूट कर भाग गए। सरगुजा में आपात की स्थिति बन गई है, इससे पहले हमने ऐसा होते नहीं देखा। सरकार बदलते ही प्रशासन निरंकुश हो गया है। विगत दिनों दुर्भाग्य से संभाग में, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमराई से दिख रही है। कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले में जानकारी मिली कि एक परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, ईसाई परिवार थे, उनके घर में एक दल के लोग घुस के मारपीट करते हैं और जिनसे मारपीट होती है उनको जेल में बंद किया जाता है। फिर खबर आती है सीतापुर से, सरगुजा जिले से, वहाँ एक मिस्त्री जो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे, वो कई दिनों से, कई कुछ महीनों से लापता रहते हैं और उनकी लाश एक अत्यंत सनसनीखेज तरीके से एक निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की टंकी के नीचे गाड़ी हुई पाई जाती है। उस जघन्य कांड के कुछ दिन ही बीतते हैं तो सरगुजा जिले के ही बतौली लुंड्रा विकासखंड में, जहां भूसेप का काम के लिए हॉपर बनाया गया था, उसमें कोयला लाद के फैक्ट्री में काम लिया जा रहा था, वो हॉपर स्वाभाविक है कि अगर भूसे के वजन को लेने के हिसाब से बनाया गया था और कोयला का इस्तेमाल उसमें हो रहा था तो हादसा होना ही था। वो हॉपर टूटता है, गिरता है, चार लोगों की मृत्यु होती है। और सूरजपुर में एक और घटना होती है जहां संभवतः बजरंग दल के कुछ लोग एक घर में घुसते हैं, पुनः ईसाई समाज के लोगों की मारपीट घर में घुस के करते हैं और जिनके साथ मारपीट होती है उनको पुलिस बंद कर देती है। और कल तो अति हो गई कि सरगुजा संभाग, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सीमा पर कन्हर नदी के किनारे रामानुजगंज के मुख्य व्यवसायी चौक में मुझे बताया गया कि पुलिस थाने से 50 गज की दूरी पर नकाबपोश आते हैं और एक जेवरात के दुकान में प्रवेश करते हैं और बंदूक की नोक पे 6 से 8 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। और ये व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जो मुख्य मार्ग है, आप लोग सब जानते हैं कि कन्हर नदी पे एक जो ब्रिज बना हुआ है उससे होके मार्ग जाता है, अनेकों विभाग के बैरियर वहां पर लगे हुए हैं और खुले तौर पे लोग पार होके निकल जाते हैं और ना पुलिस को जानकारी लगती है। और इस वारदात को करीब 20 मिनट तक अंजाम दिया जाता है। रामानुजगंज के मुख्य चौक में भारतीय जनता पार्टी शासन पक्ष के एक पार्षद के गहनों की दुकान में, और एक नकाबपोश तो नहीं जो हाथ में पिस्तौल लिए युवक खड़ा है, कुछ मोछा मोछा भी उसका दिख रहा है, तो नकाबपोश भी नहीं, थाने से 50 मीटर की दूरी पे मुख्य शहर के व्यवसायिक चौक पे ये घटना होती है और शासन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और मैंने जो सुना, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, जो स्वयं गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने कुछ, मुझे लगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान दिया कि
कि पुलिस अब कुछ कर रही है यानी अब जाग रही है, यानी कैसे ऐसा कहा जा सकता है? स्वयं एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो पुलिस विभाग के मंत्री हैं, कोई ऐसा कड़ा बयान कि हम इतने दिन में पकड़ लेंगे, इतने घंटे में पकड़ लेंगे, हमारी फोर्स लग गई है, हमारे झारखंड से लगी सीमा के साथ लगातार वार्ता हो रही है, हम तुरंत उस काम को अंजाम देंगे, पब्लिक के इस प्रकार के कांड को हम कभी नहीं होने देंगे, ऐसा कोई बयान ना आके एक अत्यंत नरम सा बयान कल आता है जो कानून व्यवस्था को आने वाले समय में और कमज़ोर करेगा और गलत करने वालों का हौसला बढ़ाएगा। तो ये अत्यंत चिंताजनक परिस्थितियों में आज एक आपात सी स्थिति मुझे लगी कि सरगुजा क्षेत्र में हमने ऐसा होते नहीं के बराबर देखा है। आज सरकार क्या बदली, व्यवस्था क्या बदली, निरंकुश सा ये प्रशासन, निरंकुश सा ये शासन, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या जवाबदेही है महसूस नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश में महसूस नहीं हो रहा। और यही प्रमुखतम कारण है कि इस प्रकार के घटनाओं को बेखौफ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो कोई नियंत्रण है ही नहीं। कौन नियंत्रण करता है, किनके हाथ में शासन की जवाबदारियाँ हैं जो लोगों को महसूस हो रही है कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं? और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को तत्काल दूर करने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के हित में, सरगुजा के हित में।